सब्जेक्ट मैथ जो हमारा स्क्रीन और एक्सरसाइज हम बात करेंगे 4.4 से जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से जो चार नंबर क्वेश्चन है कितने में आएगा चार नंबर क्वेश्चन आएगा तो हमें इसमें कौन से चार पॉइंट आ रहे हैं वेटिंग में इसमें हम और सारे क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन इसमें निकला हम सूत्र इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें निकला सूत्र में थोड़ी छोटी चीजें बात करनी है कि किस में हम वैसे के कौन तक कहां से मल्टीपल करना है सिर्फ मल्टीपल करना है तो मल्टीपल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आपको पहली बात ये मल्टीपल के लिए आप छोटी संख्या देगा जहां तक मेरा सवाल 1 से 20 के बीच संख्याओं का मल्टीपल करना सिखाएगा 1 से 20 तक 1 से 20 तक संख्याओं का बीच को हमें मल्टीपल करना है उसे आगे मल्टीपल नहीं सीखेंगे जिसमें हमारे हमेशा हमेशा हमें बेस टाइम वाला बेस हमें क्या लेना है टाइम लेना है ठीक है बेस हमें टाइम लेना है जिसमें हमें पता होना चाहिए जैसे हमने संख्या ले ली 12 संख्या ले ली 12 इसमें हमें पता करना है कि बेस कितना होगा तो बेस होगा इसका 10 बेस कितना होगा 10 उसमें हमें डिविजन एक होता है डिविजन जो हम हिंदी में बोलते हैं इसको विचलन डिविजन अब डिविजन में आप पता कैसे करना जैसे बेस 10 है तो इसका बेस 10 माइनस कर दो 12 में से 12 में से 10 माइनस किया कितना बच गया 2 यानी इसका डिविजन कितना आ गया 2 यानी इस संख्या इस नंबर का डिविजन है 2 और उसके बाद में हमें भी कोई संख्या को ले जैसे हम मान लो 13 ले ली जो कोई संख्या मान लो 13 ले ली 13 का अगर मुझे बोले कि डिविजन कितना होगा बेस कितना होगा तो हम बोलेंगे बेस इसका होगा 10 और विचलन कितना होगा डिविजन कितना होगा प्लस 3 पहली बात हुई उसके बाद हमें इसमें एक फॉर्मूला है जो फॉर्मूले से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे हम कह सकते हैं कि ए पहले होगा एक नंबर जैसे दो नंबर है जैसे मान लो एक नंबर है 11 * 12 की मल्टीपल करनी है हमें तो पहले हमें लिखना होगा नंबर कौन कौन से फर्स्ट नंबर है 11 सेकंड है 12 उसके बाद हमें बात करनी है बेस बेस कितना आएगा तो बेस इसमें हमेशा किस कितना आएगा 10 और 10 उसके बाद हम बात करें तो इसकी बात करें हम डिविजन की डिविजन की बात करें तो डिविजन का विचलन कितना हो जाएगा इसका प्लस 1 और इसका आ जाएगा प्लस 2 ये बात हुई यहां पर उसके बाद हम इसका एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद होना चाहिए उस फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन करने हैं तो फॉर्मूला क्या होता है जैसे ये साइड इसके सामने वाला इसका विचलन क्या हो गया डिविजन क्या हो गया 1 हो गया इसका डिविजन संख्या क्या हो गया 2 हो गया तो हम इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर नंबर प्लस अपोजिट डिविजन ब्रेकिंग बंद उसके बाद में स्लेस उसके बाद हमें क्या लिखना है डिविजन ऑफ मल्टीपल्स डिविजन ऑफ मल्टीपल्स यानी हमें डिविजन की क्या करनी है दोनों डिविजन की क्या करनी है मल्टीपल डिविजन ऑफ मल्टी तो अब डिविजन ऑफ मल्टीपल करनी है ये फॉर्मूला नंबर लिखना है अपोजिट नंबर ये लिया तो अपोजिट डिविजन 2 हो जाएगा अगर नंबर हमने 2 12 तो इसका डिविजन अपोजिट क्या हो जाएगा 1 जैसे इसे एग्जांपल से हम समझते हैं तो नंबर इसमें हमने ले लिया मान लो 12 ले लिया नंबर हमने ले लिया 12 प्लस नंबर मान लो हमने ले लिया 12 तो इसमें हमें प्लस क्या लगेगा डिविजन अपोजिट क्या हो गया 1 हो गया स्लेस उसके बाद हम स्लेस लगा देंगे और उसके बाद में हमें नंबर ऑफ डिविजन यानी नंबर ऑफ डिविजन क्या है 1 * 2 अब क्या होगा यहां से ये क्या मान आ गया 12 + 1 13 1 * 2 करेंगे कितना आ गया 2 अब दैट सीधा लिखना है यहां पे हमें बेस हमेशा 10 है तो इस तरफ वाली यानी मेरी राइट साइड में हमेशा संख्या क्या रखनी है एक संख्या रखनी है और आगे बाद जो एक्स्ट्रा संख्या उसको आगे भेज देना है यहाँ पे गए तो वैसे का वैसे आप नोट कर लो 132 इसका क्या आ जाएगा आंसर समझ आ गया सबको और नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज एग्जांपल से बात करेंगे बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 की डॉटेड चार नंबर से इसमें हमें क्या दिखा होगा क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि मल्टीपल ऑफ निकिलम सूत्र बेस 10 यानी हमें सिर्फ ओनली फॉर बेस 10 ही रखना है सब तो मल्टीपल ऑफ बाय निकिलम सूत्र हम बेस 10 अब इसमें आप एग्जांपल में अपने बुक के फोर एग्जांपल में की बात करते हैं तो फोर नंबर एग्जांपल में हमें क्वेश्चन में हमें दो संख्या दे रखी है जैसे 11 और 15 इसका हमें मल्टीपल करना है तो हम पहले क्या लिखेंगे इस साइड में हम लिखेंगे नंबर की जगह क्या लिखेंगे नंबर 11 सेकंड नंबर कौन सा है 15 अब देखो उसके बाद डिविजन डिविजन किसका क्या आ जाएगा प्लस का 1
इसका क्या जाएगा प्लस का 5, बेस कितना हो गया इसका 10 और इसका बेस क्या हो जाएगा 10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या होता है इसमें, यहां तक तो ठीक, उसके बाद हमें वो फार्मूला लिखना है जो मैंने बता चुका हूं कि नंबर ऑफ ऑपोजिट्स और नंबर ऑफ प्लस ऑफ ऑपोजिट डिविजन स्लैश और क्या हुआ डिविजन ऑफ मल्टीपल। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें और कुछ नहीं, अब सिर्फ अपना फार्मूला लगा के आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी ऑपोजिट साइड ले सकते, जैसे 11 के साथ हम नंबर ऑपोजिट डिविजन 5 ले लिया और 15 के साथ हमने ले लिया 1 और इनको क्या करना है ऐड कर दो। फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला बार-बार नहीं लिखूंगा, तो आप फॉर्मूला ध्यान में रखें। तो 15 प्लस 1 कोई चीज नहीं लेनी है, उसके बाद हमें क्या करेंगे स्लैश डिविजन ऑफ मल्टीपल, तो 1 × 5, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहां पे मैं 11 लेता तो हमें डिविजन लेता 5 में लगता, क्योंकि हमें ऑपोजिट लेने से हमें सब्डिविजन, तो यहां पे कितना हो गया दोनों को ऐड करेंगे 15 और 5 को, तो ये हो जाएगा हमारा 16 × 5। अब इधर 5 × 5 = 5, अब वैसे का वैसा है संख्या, वैसे की वैसी है, यानी कोई चेंज नहीं है, 16 का 16 रखना है 5 का 5 रखना है, क्योंकि इस तरफ हमारा क्या है एक है और आधार तो होता है एक, वो एक जीरो संख्या होती है, एक इधर रहेगा, दो संख्या होती है इसके आगे वाले जस्ट आगे वाले संख्या, आगे वाले संख्या में क्या करते ऐड कर देते, तो अब क्या आ जाएगा 16 और 5, इसका आंसर क्या आ गया 165। अब आपको नंबर कितने नहीं मिले, 4 में जिसमें इतना नंबर नहीं मिले, आप और बात नहीं मिले जिसमें हमें लिखना बताना पड़ेगा हमने क्या क्या करना पड़ेगा है। तो पहले हम लिखना है डायरेक्शन, डायरेक्शन वैसे लिखे यहाँ पे पॉइंट बना के फास्ट ऐसे लिखो, उसके बाद हमने पहले लिखना है हमेशा, तो सबको ले लो तो याद कर लो कि ये लाइन तो हमेशा लिखिए क्लोज सेट्स बेस इज 10, हमेशा हर विषय में लिखिए, एग्जांपल इंटरेस्ट पड़ेगा ठीक है बच्चे ने कोशिश की है, तो यहां सब लिखना ही है क्लोज सेट्स बेस इज 10, सो डिविजन आर, सो डिविजन आर, अब डिविजन लिखना है, सो डिविजन कौन कौन से प्लस 5 प्लस 1 और प्लस 5 आर प्लस 1 एंड 5 सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, सेकंड पॉइंट में लिखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिविजंस, हमें मल्टीपल ऑफ डिविजंस, यानी हमने क्या क्या किया 1 और 5 की मल्टीपल किया तो आंसर क्या आ जाएगा 5। अब ये तो हमने कुछ ही नहीं किया, जो हमने किया है वो हमने लैंग्वेज में लिखा है, तो दो नंबर इस पार्ट के होते हैं, दो नंबर इस पार्ट के होते हैं, तब जाके चार नंबर लगते हैं, सेकंड थर्ड पॉइंट तीन ही पॉइंट होते हैं, लगभग कुछ एक दो मिनट वाले दो तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें, एक टाइप आपको बता रहा हूं, दो टाइप के क्वेश्चन अभी वीडियो में डाल दूंगा। तो ऑन लेफ्ट हैंड साइड राइट नाउ, अब लेफ्ट मेरी ये राइट साइड है और आप बच्चों ये लेफ्ट होगी, तो जो लेफ्ट साइड में है ऑन लेफ्ट साइड, तो इसमें हमें क्या किया है हमने जोड़ा इसको अपना ऑपोजिट नंबर के साथ डिविजन, तो 11 प्लस 5 तो 16 और हमारा 15 प्लस 5 कितना आ गया 16, तो हमें आंसर क्या है ये आपको पहले पता करना है, फिर उसके बाद में ये करना है, इससे हमारे क्या देगा क्वेश्चन का पूरे चार नंबर मिलेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो डालता हूं आपके लिए और जो टोटल भी और क्वेश्चन है ओके। इसके साथ इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दूसरी बात इस टाइप के सारे जो टाइप के क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूं, तो आप अभी अपने फेक कॉपी में या नोट कर लें और अच्छे से तरीके से जो कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके बाय।